रिलीज से पहले बॉयकॉट की कॉल, प्रोटेस्ट्स और एहतजाज, और रिलीज के बाद शाहरुख खान का जादू। आप शाहरुख खान के फैन हो या नहीं, इस बात के चांसेस बहुत कम हैं कि आपने पठान का जिक्र न सुना हो। पठान की रिलीज से पहले ही इंडिया में एक मुनज्जम बॉयकॉट कैंपेन चलाई गई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर पठान की परफॉर्मेंस ने सबको हैरान कर दिया। तो क्या इंडिया में इस तरह के बॉयकॉट और बैंस की कैंपेन्स कमजोर पड़ती जा रही हैं, या फिर ये सिर्फ शाहरुख खान का स्टारडम है जो इस बार बाजी मार गया? मैं नाम आलिया नाज़की है और आप बीबीसी उर्दू का प्रोग्राम सैरबीन देख रहे हैं। रिलीज से पहले जिस तरह बॉयकॉट की कॉल्स दी जा रही थीं, इसके बाद भी शाहरुख खान की पठान अब तक की सबसे कामयाब फिल्म बनती हुई नजर आ रही है। फिल्म के रिसेप्शन और बॉक्स ऑफिस फिगर्स पर भी नजर डालेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि पठान आखिर इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों बन गई। इंडिया में फिल्मों के बॉयकॉट के मुतालबात और इनके खिलाफ मुजाहरे नई बात नहीं है। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान को पहले भी ऐसी कैंपेन्स का सामना रहा है, और दीपिका पाडुकोन की फिल्म पद्मावत तो एक जमाने तक तनाजे का शिकार रही। मगर पठान पर बाज लोगों को क्या एतराज था? शाहरुख खान मुर्दाबाद। जैसे ही फिल्म पठान का ट्रेलर रिलीज हुआ, दाएं बाजू की बाज हिंदू तंजीमों, सियासी रहनुमाओं और साधुओं की तरफ से इस फिल्म के बॉयकॉट या गाने बेशरम रंग को सेंसर करने का मुतालबा होने लगा। मुजाहिरीन को बज़ाहिर इस गाने में इस्तेमाल होने वाले बाज कपड़ों और ज़ाफ़रानी रंग पर एतराज था। ये रंग एक सियासी और मजहबी अलामत की सूरत इख्तियार कर गया है। वो बोलते हैं मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरे बच्चे सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे देशद्रोहियों की फिल्म रिलीज होगी, कोई हिंदू देखेगा? बाज जगहों पर शाहरुख खान और दीपिका पाडुकोन के पुतले जलाए गए, तो कहीं फिल्म के पोस्टर जलाए गए। मगर जब वज़ीर-ए-आज़म मोदी और उनके एक मुस्लिम मुखालिफ इश्तियालंगेज बयानात के लिए मशहूर वजीर अनुराग ठाकुर ने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में गैर जरूरी तबसरा न करने की तलकीन की, तो मुखालफत की शिद्दत में कमी आ गई। दूसरी जानब फिल्म के मद्दाह भी हिमायत में निकल आए। जबरदस्त कामयाबी के बाद शाहरुख खान ने एक फंक्शन में फिल्म का दिफा किया। एंड दिस इज व्हाट मेक्स सिनेमा अमर अकबर एंड एंथनी, देयर आर नो डिफरेंसेस दैट एनी ऑफ अस हैव For anybody, any culture, any aspect of life. और शाहरुख खान के इस नए अमर अकबर एंथोनी वाली इस फिल्म ने अगर कुछ ही दिनों में 500-600 करोड़ बना लिए हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इंडिया में ज्यादातर फिल्म देखने वालों को फिल्म बुरी नहीं लगी। तो ठीक है, अब तो लॉकडाउन के बाद से ट्रेंड चल रहा है, इसको बायकॉट करो, उसको बायकॉट करो, बट बायकॉट करने से हमारा क्या बेनिफिट है? एंटरटेनमेंट हमें भी चाहिए, हम भी जॉब करते हैं। कंट्रोवर्सी की बात है तो ये बातें तो चलती रहती है मीडिया में, काफ़ी चीज़ें हैं जो लोग छोटी छोटी चीज़ों का बना देते हैं, बट हमें उस चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। इन्जॉयमेंट के लिए है मूवी, तो हम इन्जॉयमेंट के हिसाब से इसको इन्जॉय करना चाहते हैं। टू मच इंटरेस्टेड, मतलब इट्स अ फैमिली मूवी, इट्स अ किड मूवी, मींस एवरीवन कैन वॉच इट, फ्रॉम चाइल्ड टू द, यू नो, एवरीवन, टू द एजेड पर्सन आल्सो, इट्स अ बैंग ऑन मूवी। कितना स्टारिंग ऑन फाइव? फुल ऑन फाइव, थैंक यू। नहीं, मूवी को मूवी की तरह देखना चाहिए, कोई कंट्रोवर्सी वगैरह नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो सब कुछ बहुत अच्छा था। इंग्लिश स्पीकिंग, आई एम अ बिगेस्ट फैन ऑफ शाहरुख खान, और मैं काफ़ी सालों से वेट कर रहा था शाहरुख खान का पिक्चर में। स्टोरी प्लस शाहरुख खान का, आई मीन शाहरुख खान का एक्टिंग एंड प्लस यू नो भाई का कैमियो, सुपर्ब। तो कैंपेन के बावजूद बॉयकॉट का असर क्यों नहीं हुआ, और आफ्टर ऑल इस तरह की मनफी कैंपेन्स मजमूई तौर पर कितनी कामयाब होती हैं? पहली वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने हाल ही में कई मंत्रीगण और पार्टी वर्कर लोगों से अपील की थी कि किसी भी तरह की किसी भी फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया ना दें और ना ही कभी किसी फिल्म का बहिष्कार करें। इस बयान के आने के बाद कई मंत्रीगण और पार्टी वर्कर नहीं चाहते थे कि वो नरेंद्र मोदी की बात को नजरअंदाज करें, इसीलिए ये कैंपेन धीमा पड़ गया। दूसरी वजह खुद शाहरुख खान थे, जिन्होंने इस बात को हाल ही में कबूला कि उन्होंने कई अहम लोगों को फोन लगाया और उनसे अपील की कि वो इस फिल्म को रिलीज होने दें, और उन्हें ये समझाने की कोशिश की कि ये फिल्म सिर्फ शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण या जॉन अब्राहम की नहीं है, ये फिल्म उन तमाम हजार लोगों की है जो इस फिल्म से जुड़े हैं। खैर, ट्विटर पर भी बॉयकॉट का हैशटैग उतना नहीं चला जितनी हिमायत की मैसेजेस। शशि थरूर ने लिखा कि मैंने अपनी बहन के साथ फिल्म देखी और स्टार्स के मजहब का ख्याल तक जहन में नहीं आया, एक इंडियन पठान, एक पाकिस्तानी डॉक्टर और जिम नामी एक विलन।
सरफी ने लिखा कि मेरे ओला टैक्सी ड्राइवर ने भी पठान देखी, क्योंकि बकौल उसके नफरत बहुत फैला दी है बीजेपी वालों ने। आई होप ये जज्बा आलमी सतह पर तारीख की किताबों में दर्ज हो जाए। और डॉक्टर मुठ्ठू कृष्णन ने लिखा कि मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, मेरे ख्याल में पठान बॉयकॉट की कोई ज़रूरत नहीं थी, फिल्म का फैसला देखने वालों के हाथ में होना चाहिए, ट्रोल्स के नहीं। और अगर आप फिल्म पठान के फिगर्स देखें तो ये स्टार पावर और देखने वालों का फैसला वाजे लगता है। फिल्म 25 जनवरी को रिलीज़ हुई और रिलीज़ के पहले दिन से ही ये फिल्म हर रोज़ कमाई के नए रिकॉर्ड्स कायम करती जा रही है। यशराज फिल्म्स के मुताबिक रिलीज के पहले ही दिन पठान ने दुनिया भर के सिनेमाघरों में 106 करोड़ इंडियन रुपए कमाए, जिसमें से 57 करोड़ कमाई सिर्फ इंडिया में हुई। इंडियन फिल्म क्रिटिक कोमल नाटन के मुताबिक तारीख में किसी भी हिंदी फिल्म की ये अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग है, और वो भी तब जब कोई छुट्टी या बड़ा दिन नहीं था और ना ही ये फिल्म कोई सीक्वल थी। एक हफ्ते के अंदर पठान ने दुनिया भर में 600 करोड़ से ज्यादा कमाए, जिसमें लगभग 400 करोड़ की कमाई सिर्फ इंडिया में हुई, जबकि बैरूने मुल्क में फिल्म ने एक हफ्ते में 239 करोड़ कमाए। यशराज फिल्म का दावा है कि हिंदी सिनेमा की तारीख में पठान सबसे कम अरसे में इतनी ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म साबित हुई है। इस सब के अलावा एक और खास बात ये कि इस फिल्म की स्क्रीनिंग्स के लिए कम से कम 25 ऐसे सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल्स के दरवाजे दोबारा खुले जिन पर ताला लग चुका था। खास तौर पर कोरोना की वबा के बाद से सिनेमा हॉल्स की रौनक जाती रही थी। तो पठान की इस रिकॉर्ड कामयाबी के पीछे क्या वजूहात है? वाला के डायलॉग्स और श्रीधर राघवन का स्क्रीन प्ले जो था वो कम्पेरेटिवली ताज़ा था। यशराज की पिछली फिल्मों के मुकाबले ये फिल्म थी रिफ्रेशिंग थी, अच्छा ह्यूमर था, एक्शन था, चीज़ें क्लिक हो रही थी। एक बड़ा अट्रैक्शन सलमान खान थे, सलमान खान इस फिल्म में साथ है, आपको करण अर्जुन की याद आ गई। करण अर्जुन ने पिछली बार अपने शाहरुख सलमान को इस तरीके से साथ में एक्शन करते हुए देखा था, ह्यूमर उनका देखा, जुगलबंदी देखी, इसी का बार बार जिक्र कर रहे थे, तो इनका आना बहुत बड़ा एक साथ में आना फैक्टर रहा। पहले दिन की जो भीड़ आई थी वो कई कारणों से पहुंची थी, लेकिन उसके बाद रिव्यूअर्स के रिव्यूज़ बहुत अच्छे रहे, इस वजह से लोग गए थिएटर्स में। वो फिल्म एक तरीके से क्रिटिक सर्टिफाइड हो गई। देखिए अब ऐसा भी नहीं है कि पठान दुनिया की बेहतरीन फिल्म है, मैंने तो नहीं देखी, लेकिन फिल्म क्रिटिक्स और शायकीन ने प्लॉट, स्टोरी, एक्टिंग, म्यूजिक, आर्टिकल 370 इस सब के हवाले से फिल्म पर तनकीद भी की। अब पठान की कामयाबी का इंडिया में नफरत पर मबनी सियासत, यूनिटी, मुल्क के माहौल के बारे में कोई गहरा मतलब है या नहीं ये तो पता नहीं। जो बात वाजह है वो ये है कि शाहरुख खान बज़ाहिर बॉलीवुड के ही नहीं इंडिया में फिल्म शायकीन के दिलों के भी बादशाह। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप सैरबीन की पुरानी किस्तें देखना चाहें तो यहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं।